हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभय काकड़े। वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट लेक्चर वी हैड लर्न सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लर्निंग आउटकम्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस इन द गिवन सिचुएशन। रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग रिलेवेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। Formulate grammatically correct sentences for the specified situation. Usage of present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. ये वीडियो देखने के बाद present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense का use कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। और वीडियो देखते समय आपको ध्यान रखना है कि examples में जो words को बोल्ड किया है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये आपको देखना है। यूसेज ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये सारे स्किल्स हमको डेवलप करना है इंग्लिश की पढ़ाई करते करते। तो देखते हैं यूसेज। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस। बोलते समय होने वाली एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। सभी स्टूडेंट्स बैठकर बातें कर रहे हैं। यहाँ पे आर सिटिंग एंड टॉकिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट कर रहा है। आई एम जस्ट लिविंग ऑफिस। सीता इज रीडिंग इन हर रूम। सीता अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। कोई भी काम शुरू रहता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए लेकिन जो बोलने के वक्त तो पूरा नहीं हो रहा है लेकिन आसपास या इन दिनों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एक्सपोर्टिंग शुगर टू अनादर कंट्रीज। इंडिया दूसरे कंट्रीज को शुगर एक्सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे इज एक्सपोर्टिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट कर रहा है, पर बोलते समय शुगर एक्सपोर्ट हो रही है क्या, नहीं, तो इन दिनों हो रही है ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट होम ड्यू टू कोविड-19। स्टूडेंट्स कोविड-19 के कारण घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी इन दिनों स्टूडेंट्स की पढ़ाई घर पर चल रही है लेकिन बोलते समय हो रही है क्या, नहीं, इन दिनों पढ़ाई कैसे चल रही है ये बताया जा रहा है। और आर स्टडिंग क्या इंडिकेट कर रहा है,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एक्शंस डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर. फ्यूचर में होने वाले प्लान के बारे में बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट. मैं आज शाम होने वाली पार्टी में नहीं जा रहा हूँ. यहाँ पे पार्टी अभी चल रही है क्या? नहीं, तो शाम को पार्टी है, यानी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में मैं दिल्ली जा रहा हूँ. यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हो रही है, जो प्लान है. नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शंस. कंटिन्यू चलने वाली एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, और इसके लिए ऑलवेज का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस. वह हमेशा क्वेश्चंस पूछती है. यू आर ऑलवेज इंसल्टिंग द पुअर. तुम पुअर लोगों की हमेशा इंसल्ट करते हो. ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस. वह हमेशा नॉनसेंस बातें करता है. तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे होता है ये हमने देखा. अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे होता है. और फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. इट इज यूज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. पास्ट टेंस में कोई भी काम शुरू हुआ था ये बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शिवा वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम. वॉज प्रिपेयरिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट करता है. और शिवा वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम, यानी शिवा IIT एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपेरेशन कर रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड. मैं मेरे फ्रेंड के साथ बात कर रहा था. वॉज टॉकिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट करता है. नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट. पास्ट टेंस में एक ही समय में होने वाली दो एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एंड माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ नॉवेल इन हर स्टडी रूम. अब ये एग्जाम्पल में एक ही समय पर दो बातें चल रही थी. जैसे जब मैं होमवर्क कर रहा था तब मेरी सिस्टर उसके स्टडी रूम में नॉवेल पढ़ रही थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि वॉज वॉचिंग अ मूवी एंड अवि वॉज राइटिंग अ लेटर. रवि मूवी देख रहा था और अवि लेटर लिख रहा था. वॉज वॉचिंग एंड वॉज राइटिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है, द पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट आर यूज टुगेदर व्हेन अ न्यू एक्शन हैपन इन द मिडल ऑफ लॉन्गर एक्शन. सिंपल पास्ट यूज फॉर लेटर एक्शन. सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक साथ यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I was writing the email, the computer suddenly went off.
वॉज राइटिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट कर रहा है और वेंट यह सिंपल पास्ट टेंस। जब मैं ईमेल लिख रहा था तब कंप्यूटर बंद हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट वेयर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू। यहाँ पर भी दोनों टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट टेंस एक साथ यूज किया गया है। जैसे मैंने कॉल किया था तब तुम क्या कर रहे थे। अब आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस एंड फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर में टेम्पररी एक्शंस बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम टुमारो। शैल बी वॉचिंग ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट कर रहा है। आई शैल बी वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस समय इंग्लिश मूवी देखते रहूँगा। I shall be waiting for you. मैं आपका वेट करूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा विल बी डांसिंग। राधा डांस कर रही होंगी। अनु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अनु एक सॉन्ग गा रही होगी। दिए गए दोनों एग्जाम्पल्स में इमेजिनेशन किया गया है कि राधा और अनु क्या कर रही होगी फ्यूचर में। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो बात हो सकती है यानी जो संभावित मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंटर विल बी कमिंग अगेन। विंटर फिर से आएगा। चिल्ड्रन विल बी ग्रोइंग इनटू एडल्ट्स। बच्चे बड़े होंगे। दिए गए दोनों एग्जाम्पल्स में जो चीज़ें होने वाली है ऐसा बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। समरी, थ्रू दिस टॉपिक वी हैव लर्न हाउ टू यूज कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमने सीखा कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज कैसे करते हैं। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज डेवलप होता है, यानी कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज कैसे करना है और इंडिविजुअल एंड टीम वर्क कम्युनिकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और इसकी हेल्प से इंडिविजुअल और टीम में अच्छे से बात कर सकेंगे और यह एक्सपीरियंस हमें लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और जो पीओ के बारे में हमने डिस्कस किया और वो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए हैं, वो सारे पीओ हमारे अचीव होते हैं आज का टॉपिक पढ़ने के बाद। नाउ टुडेज असाइनमेंट इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट। तो दिया गया होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क सॉल्व करने का पैटर्न लास्ट लेक्चर में जैसा बताया गया था वैसा ही रहेगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न परफेक्ट टेंसेस इंडिविजुअली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन।
टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।